दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी अपनी स्टोरी प्रोफेसर को बताते हैं कि वह किस प्रकार यहाँ फंस गया है, जहाँ पता चलता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी घर में थे, पर काफ़ी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आते हैं, जहाँ उन्हें हगी वगी और मौमी दिखाई पड़ता है जो पूरा शहर को तबाह कर दिया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हगी वगी और मौमी दोनों को खूब मारता है। पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और उन्हें हथियार देते हैं, जिसकी मदद से गुप्ता जी और मिश्रा जी कैटनैप का फैन को भगाते हैं। और इधर बाबा हगी वगी और मौमी को अच्छा सबक सिखाते हैं, पर तभी वहां कैटनैप आ जाता है और बाबा पर जहरीले धुएं से हमला कर देता है, जिसके बाद बाबा का बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से भाग जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही गुफा से बाहर निकलने वाला होता है, पर तभी वहां मौमी आ जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, लगता है कोई सुरंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है ये काम हगी वगी का है। जरा ऊपर तो देखो। गुप्ता जी और मिश्रा जी ऊपर देखते हैं, जहाँ उसे हगी वगी दिखाई पड़ता है जो सुरंग को तोड़ दिया था। गुप्ता जी, सुरंग तो टूट गया है, हगी वगी अंदर आ जाएगा और मौमी सामने में है, अब हम कैसे बचेंगे? मिश्रा जी, हमें यहाँ से भागना होगा। चलो सुरंग के और अंदर, कोई ना कोई बाहर जाने का जरूर रास्ता होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर जल्दी सुरंग के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई पड़ता है। चलो जल्दी सभी लोग, आगे हम बाहर निकल सकते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर सुरंग से बाहर निकलने वाले होते ही है, पर तभी उनके सामने हगी वगी घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। ओ सीट सीट सीट, हम फंस गए, आगे हगी वगी आ गया है और पीछे मौमी है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम अब हमसे बच नहीं सकते, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, हमारे पास ट्राई ब्लास्टर है, इसकी मदद से हम इनसे बच सकते हैं। हाँ गुप्ता जी, चलिए अपना पावर इसे दिखाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी टॉय ब्लास्टर से हगी वगी पर हमला करने वाले होते ही हैं, पर तभी मौमी पीछे से उन दोनों को नीचे गिरा देती है। मौमी, मौमी तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी, तुम दोनों अब बच नहीं सकते। गुप्ता जी और मिश्रा जी के नीचे गिरने पर उन दोनों का हथियार दूर नीचे गिर जाता है, इसलिए अब उन्हें लगता है कि वह दोनों मरने वाले हैं। इधर प्रोफेसर देखता है कि मौमी उनके सामने आ रही है, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों अपना हथियार जल्दी से उठाओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। प्रोफेसर मौमी को रोकने लगता है और तभी गुप्ता जी मिश्रा जी अपना हथियार वापस से उठा लेते हैं। मौमी प्रोफेसर पर तेज वार करती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। और तभी गुप्ता जी मिश्रा जी मौमी पर अपने हथियार से वार कर देते हैं। मौमी पर वार होने पर हगी वगी सुरंग के अंदर घुसने लगता है। गुप्ता जी, हगी वगी इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी उस पर वार करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी एक साथ हगी वगी पर हमला करते हैं, जिसके बाद वह भी बेहोश हो जाता है। बाल बाल बच गए, यदि प्रोफेसर हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों बचते नहीं। हाँ मिश्रा जी, अब चलो प्रोफेसर को लेकर यहाँ से निकलते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर उठिए प्रोफेसर, हम लोगों को अब चलना होगा। मिश्रा जी काफी आवाज लगाता है, पर प्रोफेसर उठता नहीं है, जिसके बाद गुप्ता जी को कुछ संदेह होता है। प्रोफेसर उठ क्यों नहीं रहा है? कहीं वे नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। गुप्ता जी प्रोफेसर को चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर मर चुका है। गुप्ता जी, क्या हुआ है प्रोफेसर को, वे उठ क्यों नहीं रहे हैं? मिश्रा जी, प्रोफेसर अब कभी नहीं उठेंगे, क्योंकि वे मर चुके हैं। प्रोफेसर के मरने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत दुख होता है। मिश्रा जी, प्रोफेसर तो मारा गया, पर हम बाबा को मरने नहीं देंगे, अब चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये दोनों को होश आ जाएगा और फिर हम फंस जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी सुरंग से बाहर निकलते हैं और आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। उधर कैटनैप बाबा को अपना इलाका में कैद किया हुआ है, जहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। बाबा, लगता है गुप्ता जी और मिश्रा जी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द रात बीतने वाली है। कैटनैप, तुम गुप्ता जी और मिश्रा जी को जानते नहीं, वह मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है,
यहाँ तक कि तुम्हारा भी अंत कर सकता है। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कैटनैप को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड होता है, इसलिए वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को बहुत हल्के में ले रहा होता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जंपर दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, आखिरकार हम जंपर के पास आ गए, अब वह बाबा को बचाने में हमारी मदद करेगा। जंपर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बाबा की जान खतरे में है। गुप्ता जी का बात सुनकर जंपर को थोड़ा शॉक लगता है, जिसके बाद वह गुप्ता जी से पूरी बात बताने को बोलता है। जंपर के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें पूरी बात बताने लगते हैं, जिसके बाद जंपर बाबा का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। जंपर अपनी शक्ति से पता लगा लेता है कि बाबा कहाँ कैद हैं, जिसके बाद वह सभी बाबा को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हगी वगी और मॉमी को वापस से होश आ जाता है, पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को वहाँ ना देखकर दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी फिर बचकर भाग गया, पर इस बार मेरे से बच नहीं पाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजने के लिए हगी वगी और मॉमी वहाँ से निकलकर शहर की तरफ जाने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा को बचाने के लिए जंपर के साथ जा रहा होता है, पर तभी सभी अचानक रुक जाते हैं। ओ सिट, ये क्या हुआ यहाँ? हमारा शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। गुप्ता जी, ये काम कैटनैप का ही है, वह सभी बिल्डिंग तोड़ दिया और पता नहीं वह कितने लोगों को मार दिया है। पूरी तबाही को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को कैटनैप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जंपर, अब चलो जल्दी बाबा के पास, हमें उन्हें बचाकर कैटनैप का अंत करना है। हाँ गुप्ता जी, जंपर का शक्ति के सामने कैटनैप बच नहीं पाएगा, अब चलिए बाबा के पास चलते हैं। सभी आगे बढ़ते, पर तभी सभी देखते हैं कि सामने हगी वगी और मॉमी फिर से आ गया है। ये दोनों सुधरने वाला नहीं है, लगता है इसकी मौत हमारे ही हाथों से लिखी हुई है। हाँ गुप्ता जी, ये दोनों हमें बहुत परेशान किया है, अब हम सब मिलकर इसे जान से मार डालेंगे। हगी वगी और मॉमी को जान से मारने के लिए दोनों आगे बढ़ता है और अपने टॉय ब्लास्टर से हगी वगी और मॉमी पर हमला करता है, पर दोनों अपने आप को बचा लेता है। इस बार नहीं बचेगा गुप्ता जी और मिश्रा जी। मॉमी और हगी वगी इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी को कोई मौका नहीं देता है, जिसके बाद वह दोनों को खूब मारती है। गुप्ता जी, ये दोनों तो हमें छोड़ने वाला नहीं है, कुछ कीजिए नहीं तो ये हमें मार डालेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने ट्राई ब्लास्टर से काफी प्रयास करते हैं, पर मॉमी और हगी वगी अपने आप को बचाते हुए दोनों को खूब मारता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को खूब मार खाता देखकर जंपर अपने लेजर पावर से हगी वगी पर हमला करता है। हगी वगी के नीचे गिरते ही गुप्ता जी अपने ट्राई ब्लास्टर से उसे शॉक देता है। हगी वगी को शॉक देने के बाद गुप्ता जी इस बार मॉमी पर वार करते हैं। गुप्ता जी, आपने मुझे बचा लिया, पर अब इन दोनों का खेल खत्म कीजिए, इसने हमें काफी परेशान किया है। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, जंपर इन दोनों को जलाकर खत्म कर दो। गुप्ता जी का बात मानते हुए जंपर अपने पावर से दोनों को जलाने लगता है। आग से जलकर मॉमी और हगी वगी वहीं मारा जाता है, जिसके बाद सभी बाबा के पास निकल जाते हैं। सभी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, पर तभी उन लोगों के सामने मिस डिलाइट आ जाती है। तो दोस्तों, मिस डिलाइट कौन है, क्या आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।